नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, रेलवे की तरफ से काफ़ी अच्छी अपडेट आई है। जो भी कैंडिडेट आरआरवी टेक्नीशियन का फॉर्म फिलअप किया है उनके लिए काफ़ी अच्छा अपडेट आया है। आरआरवी टेक्नीशियन के सीट जो है आपका दोस्तों बढ़ा दिया गया है और साथ ही इसमें 20 और नई कैटेगरीज को ऐड किया गया है। और साथ इसमें और भी दो अपडेट आपको मिलने वाली है कि इसका जो फॉर्म है अब रीओपन होगा, दूसरा जो है आप इसका फॉर्म जो है मॉडिफाई भी कर सकते हैं और जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरा है वो दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी और जानकारियाँ हैं, इस वीडियो में पूरे डिटेल्स बात करेंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। आप वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना है और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये जो रिक्वायरमेंट दोस्तों वो पहले जो आया था आपका सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन न्यूज़ में, जो कि यहाँ पर सीएन नंबर दे सकते हो 02/2024, यानी कि फरवरी के टाइम में ये वैकेंसीज आया था आरआरबी टेक्नीशियन की। अभी इसकी वैकेंसीज को दोस्तों आपका इंक्रीज़ किया गया है, जैसे लोको पायलट का सीटों को बढ़ाया था इसी तरह आपका असिस्टेंट जो है टेक्नीशियन का भी सीट बढ़ गई है, ठीक है। और यहाँ नोटिस आप देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से आया है, आरआरबी रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से। और यहाँ पर देख सकते हो कोरिगेंडम एंड एडवर्ट एंडम, यानी कि कोरिगेंडम यानी कि जो भी नोटिस वगैरह जो बाद में एडिट जो है कोई बदलाव किया जाता है तो उसको कोरिगेंडम बोला जाता है, ठीक है। तो ये इसका कोरिगेंडम 1 है, यहाँ पर देख सकते हो एनेसमेंट ऑफ नोटिफाइड वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन। तो टेक्नीशियन के सीट है बेसिकली आपका बढ़ा दिया गया, ठीक है। पहले जो टेक्नीशियन का सीट था 9144 सीट था, जिसका बढ़ा करके इसमें और 18 कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया, यानी कि ऐड किया गया, यानी कि टोटल और 22 कैटेगरीज को ऐड किया है। टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज की बात करें तो सारी कैटेगरीज को ऐड करके अभी 40 कैटेगरीज प्लस हो गए हैं, ठीक है। तो 40 कैटेगरीज और मतलब कि हो गया है, पहले आपका जो है 22 कैटेगरीज था, 18 कैटेगरीज को और ऐड किया है, इस तरह से आपका टोटल 40 कैटेगरीज हो गई हैं। और पहले जो सीट था 9144 सीट, अभी उसको बढ़ा करके 14298 कर दिया गया, यानी कि सीटें आपके बढ़ के 14298 हो गया, ठीक है। अब दूसरी पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर द कम्युनिटी वाज या कैटेगरीज वाइज पोजिशन ऑफ एवर रिवाज वैकेंसीज फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ ऑल आर आर वीज आर इनक्लोज हेयर विथ एज ए सी एन नंबर 02/2024 रिवाज वैकेंसी टेबल एनेक्सर V1 सपरक्रेड्स एनेक्सर B सी एन नंबर 02/2024। तो अभी जो वैकेंसीज को बढ़ाया गया और कुछ कैटेगरीज को ऐड किया गया, जिसमें कुछ कैटेगरीज को जो ऐड किया गया जिसका एनेक्सर B1 में आपको दिखने वाला है, ठीक है। आपको वहाँ पर रीड कर सकते हैं, अभी मैं इसका एनेक्सर B1 का नोटिफिकेशन भी आपको दिखाने वाला हूँ कि किस किस कैटेगरीज में आपका कैटेगरीज को ऐड किया गया है और क्या क्वालिफिकेशन वगैरह रहने वाले, सारे डिटेल्स इसमें बात करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ें यहाँ पर और है, द पोस्ट पैरामीटर्स या क्वालिफिकेशन मेडिकल स्टैंडर्ड एंड सेटेबिलिटी ऑफ द पोस्ट ऑफ PWDs फॉर न्यूली एडेड कैटेगरीज फॉर वर्कशॉप इन PU 19-40 आर इंक्लूडेड हेयर विद, ठीक है। तो अभी जो और नए कैटेगरीज को इंक्लूड किया गया जिसमें क्वालिफिकेशन को लेकर और भी सारी चीज़ें ऐड किया गया है, इसका भी एनेक्सर A1 में आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको मैं अभी नोटिफिकेशन के थ्रू बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद फोर्थ नंबर की पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एंड PWBD एट्रीब्यूट्स बीइंग डिफरेंट फॉर द सम न्यू कैटेगरीज ऑफ पोस्ट एडेड वर्कशॉप। तो अभी जो नए कैटेगरीज में जो ऐड हुआ है बहुत सारे पोस्ट को भी ऐड किया गया है और जो नए सिरे से जो फॉर्म वगैरह जो कैटेगरीज वगैरह ऐड किया गया, कुछ पोस्ट को ऐड किया गया, उसके लिए दोस्तों फिर से नया फॉर्म आपको ओपन करने का भी मौका मिलेगा। तो वैसे कैंडिडेट जो फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो उनको दोबारा फॉर्म अप्लाई करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके लिए आपको 15 दिन टाइम दिया जाएगा, जिसका ऑल ओवर इंडिया के जितनी भी आरआरबी जोन से जिनकी आरआरबी जितनी साइट से उसमें आपको ऑफिशियली दिखेगा और वहां से आप इसका फॉर्म भरेंगे। 15 दिन आपको टाइम दिया जाएगा नए फॉर्म भरने के लिए। जो कैंडिडेट ऑलरेडी फॉर्म भर चुके हैं उनको फॉर्म नहीं भरना है, जो फॉर्म नहीं अप्लाई किए हैं जो रह गए हैं उनके लिए फिर से रीओपन होगा फॉर्म, ठीक है, आरआरबी की जितनी भी वेबसाइट है ऑफिशियल उनमें, ठीक है। 15 दिन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का टाइम मिलेगा। दूसरा चीज़ है वो है जो भी कैंडिडेट फॉर्म वगैरह भर दिए हैं
और वो अपना पोस्ट वगैरह या जॉन वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं या मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उनके लिए भी मॉडिफाई लिंक भी ओपन होगा। उनके लिए भी आपका टाइमिंग जो है वो 15 दिन के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो जो कैंडिडेट जॉन वगैरह चेंज करना चाहते हैं वो मॉडिफाई लिंक ओपन होगा, तब आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट फॉर्म वगैरह अभी तक अप्लाई नहीं किए थे उनको भी फिर से दोबारा फॉर्म भरने का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिखा दिया है। और नोटिस ये रिलीज हुआ दोस्तों आज ही के डेट में, यहाँ पर दे सकते हो 22 अगस्त, ठीक है। ऑफिशियल नोटिस है, कोई फेक नोटिस नहीं है। यहाँ पर दोस्तों देखिए जो कैटेगरीज को एडिट जो नया कैटेगरीज ऐड किया गया है, 18 कैटेगरीज ऐड हुआ है, जिसमें यहाँ पर नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो देखिए सीट वगैरह यहाँ पर दिया गया है, पे लेवल वगैरह दिया है, सॉरी सीट यहाँ तो खैर मेंशन नहीं है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या नया ऐड हुआ उसके बारे में दिया है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 जिसमें टेलीकम्युनिकेशन में देख सकते हो दोस्तों 10th के साथ आपका ITI वगैरह होना चाहिए या आपने 12th वगैरह की फिजिक्स एंड मैथ्स यानी कि साइंस वगैरह से तो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर नया नया कैटेगरीज ऐड हुआ है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 टेलीकम्युनिकेशन और टेक्नीशियन ग्रेड 3 कारपेंटर मैकेनिकल। तो वैसे पहले 22 कैटेगरी पहले से था ही, अभी जो नया कैटेगरीज ऐड हुआ है 21 22 23 24 25 वगैरह में, तो यहाँ पर देख सकते हो वर्कशॉप वगैरह में और भी सारे बहुत सारे जो कैटेगरीज ऐड हुए हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन वगैरह आप अच्छा से एक बार रीड कर सकते हैं। और इसका टेलीग्राम चैनल में मैं आपको इसको PDF दे दूंगा दोस्तों, आप वहाँ से अच्छा से रीड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे दिख रहे हैं तो आपको हो सकता है वीडियो बर्लब दिख रहा होगा जिसमें आपको दिखा भी नहीं देता होगा, ठीक है। जिसके लिए मैं आपको टेलीग्राम पर इसका PDF दे दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और उसका PDF मैं वहाँ दे दूंगा, आप वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए किस यहाँ पर जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 रिगर के लिए है, इसके लिए आपका 10th प्लस ITI वगैरह होना चाहिए, चाहे आपने NCVT की हो या CVT से, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। और कुछ कैटेगरीज जो है PW हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए जो है अलग से यहाँ पर सीट को यहाँ पर दिया गया है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह जो है यहाँ पर ऐड हुए हैं। तो जो भी PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए वर्कशॉप यूनिट में ये सीट कैटेगरीज को ऐड किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो सीट वगैरह दिया गया है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल की बात करें तो यहाँ पर RRB अहमदाबाद में वेस्टर्न जोन में जनरल के टोटल 38 सीट है, और यहाँ पर इस तरह से टोटल 74 सीट है। उसके बाद दोस्तों RRB अहमदाबाद में जितनी भी कैटेगरीज जितनी भी जोनर कैटेगरीज में सीटें हैं यहाँ पर अलग अलग से दिया है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड सिग्नल के लिए यहाँ पर टोटल जो है टोटल यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 687 सीट दिया गया, ठीक है। 687 सीट में अलग अलग पोस्ट है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 3 फिटर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेक्नीशियन ग्रेड 3 वेल्डर, टेक्नीशियन ग्रेड 3 इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल एंड TRS। इस तरह से टोटल RRB अहमदाबाद में अभी टोटल जो सीट बढ़ के हो गया है 687, ठीक है, सॉरी पहले 687 था अभी 761 हो गया है, ठीक है। उसके बाद RRB अहमदाबाद टोटल ओपन लाइन 761 सीट, और इस तरह से यहाँ पर ग्रांड टोटल की बात करें वर्कशॉप वगैरह में एडिट का ऐड होके 1015 सीटें हो गई है, ठीक है। पहले कितना था 761 वेस्टर्न जोन वगैरह में, इस तरह से टोटल यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें तो 1015 सीटें ऐड हुई है। और RRB अजमेर की बात करें तो अजमेर में आपका यहाँ पर टोटल सीटें हैं, अजमेर में टोटल सीटें दोस्तों आपका 900 हो गया, ठीक है। और बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में 337 सीटें हैं, और भोपाल की बात करें तो भोपाल में दोस्तों 534 सीट है, और भुवनेश्वर में आपका 166 हो गया, बिलासपुर में आपका दोस्तों 933 सीट हो गया, और चंडीगढ़ में आपका 187 है, और चेन्नई में आपका 2716 सीटें हैं,
और गोरखपुर में 419 सीट है। इस तरह से दोस्तों अलग अलग जोन वाइज में आपका सीट जो है इंक्रीज किया गया है, आप अपने अनुसार से जिस जोन में अप्लाई किए आप अपना सीट वगैरह देख सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्कशन बॉक्स में मेंशन किया गया है, तो वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलता है अगले वीडियो में, तब तक लटक जय हिंद वंदे मातरम।